जैसे ही ऊंटनी सभा में आती है वो देखते हैं कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे हैं। ये देख के ऊंटनी बहुत शर्मिंदा होती है, पर ऊंटनी लगातार पादे ही जा रही थी। जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत ऊंटनी रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, पर ऊंटनी की एक कमी थी, उसे हमेशा पेट में गैस की दिक्कत रहती थी, हमेशा बाद मारती रहती थी। उसके बाद में इतनी गंदी बदबू होती थी कि कोई भी गिर के बेहोश हो सकता था, और ये सब उसके गलत खान पान की वजह से था। हर टाइम कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। हेल्थ और पौष्टिक खाने के बजाय वो जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खाती थी। हाय, बहुत भूख लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, पर इतनी गर्मी में कैसे जाऊं पिज्जा लेने बाहर। एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ पिज्जा लेने, पर किसको भेजूं? ऊंटनी बहुत ही चालाक थी, हमेशा अपनी सुंदरता का फायदा उठाती और अपना काम निकलवा लेती। वो सोच ही रही थी कि पिज्जा लेने बाहर किसे भेजूं, तभी लकड़बग्गा वहाँ आ जाता है। हाय मेरी जान, कितनी सुंदर हो तुम, सबके साथ बात करती हो तुम, कभी इस नाचीज से भी बात कर लिया करो। अच्छा ऐसा है, पर मुझे तो तुम भी औरों की तरह ही लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम ही हो, तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया साबित करने का। अच्छा अगर ऐसा है तो देखते हैं आज तुम्हारे प्यार को भी आजमा के। वैसे तो बड़े आए और बड़े गए, जो कहते हैं कि प्यार करते हैं पर सारे फेल हो गए। हाँ हाँ, तुम एक बार आजमा के तो देखो। ऊंटनी लकड़बग्गे को कहती है कि उसे आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है और उसे पिज्जा खाना है। बस इतनी सी बात, पिज्जा ही तो खाना है, अभी जाके लेके आता हूँ। लकड़बग्गा उसके लिए पिज्जा लेने जाता है। ऊंटनी बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं पिज्जा खाऊंगी, मजा आएगा। ये सब कुछ पीछे से खड़ा होकर उसका दोस्त ऊंट देख रहा था। उसे ऊंटनी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है, तुम अपने स्वार्थ के पीछे सबका गलत इस्तेमाल करती हो, सबको अपने प्यार और शादी का झांसा देकर गलत करती हो, बस अपनी भूख मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ मुझसे शादी का वादा किया है, उसका क्या? ओहो, तुम भी ना बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो। तुम्हें तो पता ही है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ, खासकर फास्ट फूड और जंक फूड। ये सब ख्वाहिशें तुम मेरी पूरी नहीं करते, इसलिए फिर मुझे अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के सबसे काम निकलवाना होता है, पर तुम हो कि बुरा मान रहे हो। प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। ऊंट को ऊंटनी की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊंट उसे छोड़ के चला जाता है। लेकिन ऊंटनी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि ऊंट उसे छोड़ के जा चुका है, उसे सिर्फ खाने से प्यार था, उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकती थी। लकड़बग्गा पिज्जा लेकर आता है और ऊंटनी जैसे भूखी प्यासी जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगती है और खाते खाते पाद मारती है। लकड़बग्गा उसके पाद की बदबू से परेशान होने लगता है। अरे बाप रे, ये कितना गंदा पाद मारती है, ऐसा पाद तो मैंने कभी नहीं सूंघा। हाँ हाँ, तुम पिज्जा खाओ, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है। हाँ लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं कल आऊंगा ना तुमसे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन कल याद से आना और कल बर्गर खिलाना। हाँ हाँ ठीक है। ऊंटनी को पता था कि लकड़बग्गा उसके पाद की गंदी गैस की वजह से यहाँ से भागा है। मुझे पता है कि तुम यहाँ से मेरे पाद की गैस की वजह से गए हो, क्या करूँ, खाती हूँ तो गैस ना छोड़ू क्या। और तुम सब लोगों को भगाने का सबसे आसान तरीका है ये, नहीं तो तुम सबसे प्यार करती फिरूंगी तो मेरा क्या होगा। ऊंटनी ने पिज्जा तो खा लिया, पर रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई,
बदहजमी, गैस और पेट में बहुत दर्द हुआ। पेट बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? किससे मदद मांगू? और ऊपर से बाद में बहुत निकल रहे हैं। ऊटनी आधी रात को ऊंट के पास आती है और उससे मदद मांगती है। कितनी बार तुमसे कहा है हेल्दी और पौष्टिक खाना खाया करो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। उफ, कितनी गंदी गैस छोड़ रही हो तुम तो। तुम ही ऐसा कहोगे तो बाकी क्या क्या कहेंगे। आह आह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम घबराओ मत। ऊंट ऊटनी की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था कि ऊटनी के पाद पे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। जहाँ जहाँ से ऊटनी गुजरती उसके पाद की गैस पूरे जंगल में फैल जाती और वो गैस इतनी जहरीली थी कि मानो कोई भी गिर के बेहोश हो जाए। और जो जो जानवर उससे प्यार का दावा करते थे अब वही उससे दूर भाग रहे थे। उफ, कितनी गंदी पाद आ रही है, इस ऊटनी की पाद की गैस तो पूरे जंगल में जहर की तरह फैल रही है। हाँ सही कहा, बहुत गंदी गैस है, जान ना ले ले हमारी। ऊटनी दुखी थी कि जो भी उससे प्यार करने का दावा करते थे उसकी खूबसूरती पे मिटते थे, आज वो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, सभी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझे कितना समझाया, अपना खान पान ठीक करो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। तुम घबराओ मत, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। जंगल के सारे जानवर इस बात की शिकायत राजा शेर से करते हैं कि इस बात पे ध्यान दिया जाए, ऊटनी बहुत गंदा पाद रही है, उसके पाद की जहरीली गैस पूरे जंगल में फैल रही है, जो किसी महामारी से कम नहीं है। शेर राजा सभा में ऊटनी को बुलाते हैं। जैसे ही ऊटनी सभा में आती है वो देखते हैं कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे हैं। ये देख के ऊटनी बहुत शर्मिंदा होती है, पर ऊटनी लगातार पादे ही जा रही थी। ए सुंदर ऊटनी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझसे सारे जानवरों ने आके शिकायत की है कि तुम बहुत गंदा पाद रही हो, जिसकी गैस से सारे जानवर बेहोश हो रहे हैं। अगर तुमने इसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया तो तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना होगा। नहीं राजा जी, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने इस बीमारी का इलाज करने वाला ढूंढ लिया है। इसका इलाज बंदर मामा के पास है। बंदर मामा के पास एक चूर्ण है जिसकी 3 दिन तक खुराक लेनी पड़ेगी और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऊंट ऊटनी को लेकर बंदर मामा के पास जाता है और बंदर मामा उन्हें वो चूर्ण देते हैं जिससे ऊटनी की पाद मारने की बीमारी ठीक हो जाए। बस फिर थोड़े दिन में ऊटनी की ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर तुम ना होते तो आज मेरी ये बीमारी ठीक ना होती, तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद ऊटनी पौष्टिक और हेल्दी खाना खाने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, एक सपेरा सांप का पीछा करता है और बीन बजाता है। एक जगह सांप जैसे ही अपने बिल में घुस रहा था कि तभी सपेरा उसे पकड़ लेता है। आह, आह, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, बहुत भगाया तूने मुझे, अब जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है, मेहरबानी करके मुझ पे तरस खाओ, छोड़ दो मुझे। पर सपेरा सांप की एक नहीं सुनता और टोकरी में कैद करके उसे ले जाने लगता है। टोकरी के अंदर सांप बहुत परेशान होता है। क्या करूं, कैसे इस कैद से बाहर निकलूं? मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलते चलते सपेरे को बहुत प्यास लगी। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, हाँ पास में ही नदी दिख रही है, एक काम करता हूँ, इस टोकरी को यहीं रख के जाता हूँ और पानी पी के आता हूँ। सपेरा टोकरी को वहीं छोड़ के पानी पीने जाता है। फिर थोड़ी देर में एक मुर्गी दाना चुगती चुगती वहाँ पहुँचती है जहाँ सपेरे ने टोकरी रखी होती है। वो देखती है कि टोकरी में से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है और टोकरी हिल रही है। अरे बापरे,
ये टोकरी कैसे अपने आप फैल रही है? मुझे पास जाकर देखना होगा। कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई तो बाहर निकालो। अरे बाप रे, इसमें से तो किसी के रोने की आवाजें आ रही है। लगता है इस टोकरी में कोई कैद है, मुझे मदद करनी चाहिए। मुर्गी टोकरी का ढक्कन हटाती है। जैसे ही मुर्गी सांप को देखती है वो बहुत डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैंने तुम्हें इस टोकरी से बाहर निकाला है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझसे डरो मत। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे चुकाऊं। बस इतना कह सकता हूँ कि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बेझिझक याद कर लेना, क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सपेरा जब पानी पी के आता है और सांप को नहीं पाता तो बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ? किसने किया ये? किसने मेरे सांप को आजाद किया? कोई बात नहीं, अगली बार हाथ लगेगा तो जाने नहीं दूंगा। आओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं खूब सारा दाना लेकर आई हूँ, खाओ, पेट भर के खाओ। वाह माँ, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सारा दाना लाई हो हमारे लिए। हाँ माँ, तुमने कभी बाबा की कमी महसूस होने नहीं दी हमें। माँ, आपने हमें हमेशा भर पेट खिलाया, खुद का पेट खाली रख के कितनी प्यारी हो तुम माँ। तभी वहाँ पर किया जाता है जो पहले से मुर्गी को तंग किया करता था। ऐ है मेरी जान, कितनी बार तुमसे कहा है मैंने, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, और तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों को भी। तुम मुझे इतना पसंद हो, मुझसे देखा नहीं जाता जब तुम काम करने बाहर जाती हो। शक्ल देखी है तूने अपनी, जो मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा? तू खुद को भी संभाल पाए वो भी काफी है, कान्हा कहीं का। तुझे मैंने पहले भी समझाया है, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद अगर तू हमारे रास्ते आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कान्हा मुर्गे को मुर्गी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बेइज्जती करी तूने। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरी बेइज्जती करती है, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। फिर एक दिन कान्हा मुर्गा दाना चुग रहा था, तभी उसे सांप पकड़ लेता है। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मेरी जान बख्श दो, मुझे खा के तुम्हें भला क्या मिलेगा। इतने मुश्किल से शिकार हाथ आया है और तू छोड़ने की बात कर रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। हाँ चलो, छोड़ भी देता मैं तुझे, पर आज नहीं छोड़ सकता। मेरी बीवी और छोटे छोटे सपोले भूखे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मुझे खाकर क्या स्वाद आएगा, मेरी बूढ़े हड्डियों में कहाँ मांस है। अगर मैं तुम्हें बच्चों के लिए तीन छोटे छोटे चूजे लाकर दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना, और वो खाने में भी स्वादिष्ट होंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। क्या कहा तुमने, छोटे छोटे चूजे? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे वो चूजे ला कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। और अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं नहीं हुजूर, मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ आपको, मैं अभी गया और अभी आया। कान्हा मुर्गा मुर्गी के बच्चों को लाने जाता है, उसे पता था कि मुर्गी अभी घर पर नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने बाहर गई है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है। अब मौका मिला है बदला लेने का तुमसे, और साथ में तुम्हारे ये बच्चे ही हमारे बीच आ रहे हैं। जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो तुम मुझसे शादी करने से कैसे इनकार कर पाओगी। अब इन बच्चों को सांप के हवाले करके सब ठीक कर दूंगा मैं। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम, खाने का इंतजार कि माँ आएगी, खाना लाएगी और खाओगे? हाँ बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम यहाँ से निकलो, बहुत गंदे हो तुम। हाँ निकलो तुम यहाँ से, हाँ निकलो तुम यहाँ से, तुम हमारी माँ को भी बहुत सताते हो, बहुत बुरे हो तुम। अरे बच्चों,
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल अपनी माँ की बोली बोल रहे हो। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ बच्चों। आज मैं बदल चुका हूँ बच्चों, मेरा यकीन मानो। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मदद करने आए हो? क्या मदद करोगे हमारी तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कितना काम करती है तुम्हारे लिए? रोज कहाँ कहाँ से जाकर खाना लाती है, कितनी मेहनत करती है। क्या तुम नहीं चाहते अपनी माँ की मदद करना है? हाँ, हम चाहते हैं अपनी माँ की मदद करना, पर समझ में नहीं आता कैसे करें। मेरी बात सुनोगे तो सब ठीक होगा, अपनी माँ की मदद भी कर पाओगे। क्या करना होगा हमें? मेरे साथ चलो एक जगह जहाँ पर बहुत सारा दाना है, मैं तुम्हें दाना चुगना सिखाऊंगा। अगर तुम दोनों चुगना सीख जाओगे तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। ये लो सांप भाई, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए चूजे ले आया, अब मुझे जाने दो। उधर जब मुर्गी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है, वहाँ अपने बच्चों को नहीं पाती तो परेशान हो जाती है। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ चले गए तुम? तभी एक पड़ोसी मुर्गी को बताता है कि काना मुर्गा बच्चों को ले गया है। जैसे ही मुर्गी के बच्चों को सांप खाने वाला होता है, छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत खाओ। तभी मुर्गी बच्चों को ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। सांप राजा, मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, खाना है तो मुझे खाओ। अरे, तुम तो वही मुर्गी हो ना जिसने मुझे उस सपेरे के कैद से बचाया था। तुम तो बहुत भली मुर्गी हो। उस दिन तुम ना होती तो आज मैं यहाँ अपने परिवार के साथ ना होता। सांप मुर्गी के बच्चों को छोड़ देता है और काना मुर्गे को पकड़ लेता है। तुम इस हद तक गिर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सांप राजा, इसे छोड़ना मत। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इतनी भली मुर्गी के साथ गलत करवाने वाले थे मुझसे। तुम तो मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मेरे और मेरे परिवार का आज का भोजन तुम बनोगे। इस तरह सांप मुर्गी और उसके बच्चों को छोड़ देता है और काना मुर्गे को खा जाता है। मुर्गी और उसके बच्चे चलते चलते घर आ जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।